देश के कई हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी हो चुकी है या हो रही है, लेकिन बिहार झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। खास करके झारखंड में लो प्रेशर की वजह से बता दें कि 2-3 दिनों से बारिश का दौर यहां लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार हो रही बारिश के कारण झारखंड में जनजीवन पर अब असर पड़ रहा है। झारखंड में झमाझम बारिश, उफान पर नदियां और डैम। राजधानी की सड़कें हुई पानी पानी, तीन चार दिन तक राहत के नहीं आसार। देश के कुछ राज्यों में बारिश का दौर जारी है, इन राज्यों में बिहार और झारखंड भी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कई राज्यों से अब मॉनसून की विदाई का दौर जारी है, लेकिन उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिख रहा है, जिसकी वजह से 3 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं लगातार बारिश ने तबाही भी खूब मचाई है। राजधानी रांची समेत सूबे के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार सुबह से शाम तक 40 मिलीमीटर बारिश रांची में दर्ज की जा चुकी है, जिससे राजधानी की तमाम सड़कों पर पानी भर चुका है। वहीं बारिश के बाद हरमो नदी उफान पर दिखी, पुल पुलिया के ऊपर से पानी बहता नजर आया। पुलिया से बड़ी गाड़ियां तो गुजरती दिखी, पर दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी पेश आई। राजधानी रांची में जमकर बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है और ये सुबह से लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जो समय है वो दोपहर का हो चला है और जो बारिश का असर है, उस बारिश का असर इस प्रकार से समझिए कि हम आपको हरमू नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और हरमू नदी उफान पर है। आमतौर पर कह सकते हैं कि इसमें कम पानी हुआ करता था, लेकिन उसके उफान की वजह से स्थिति क्या है वो देखिए कि राजधानी रांची के मेन रोड के आसपास जो तपोवन मंदिर है, उस तपोवन मंदिर से कडरू को जोड़ने वाली जो छोटी सी पुलिया है, उस पुलिया की तस्वीरें इस तरह से है। बोकारो में लगातार बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद डैम के एक और फाटक को खोल दिया गया। पहले से ही एक फाटक खुला हुआ था, अब कुल 2 फाटक खुल जाने से काफी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज दामोदर नदी में हो रहा है। लगभग 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं नदी के आसपास रहने वालों को तेनुघाट बांध प्रबंधक और जिला प्रशासन ने आगाह किया है। वहीं गिरिडीह के धनवार प्रखंड स्थित बहुचर्चित नौलखा डैम भारी बारिश की वजह से टूट गया। डैम टूटने के बाद भारी मात्रा में पानी का बहाव होने लगा, जिससे एक ओर आवागमन ठप हो गया है तो वहीं दूसरी ओर कई एकड़ में लगे धान की फसल पर बर्बादी का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही डैम में पाली जा रही मछलियां भी बाहर निकल रही हैं, जिससे जहां एक ओर किसानों को अपनी फसल के नुकसान की चिंता सता रही है तो वहीं मछुआरे भी निराश नजर आ रहे हैं। रामगढ़ में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित भैवी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे नदी के आसपास की कुछ दुकानें बह गई तो कुछ दुकानें जलमग्न हो गई हैं, जिससे फूल प्रसाद बेचकर जीविका चलाने वाले दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। खूंटी जिले में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। मुरहू प्रखंड के गनालोया गांव में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से एक घर गिर गया। हादसे में घर में रहने वाला परिवार बाल बाल बचा, हालांकि घर का पूरा सामान मलबे में दब गया और लोगों को पड़ोसी के घर शरण लेनी पड़ी। हमारे पास इंदिरा आवास भी नहीं है, जो हम इंदिरा आवास में रह सके। ले भी गया कुछ सामान, मेरा इस घर में ही दब गया। मेरे सरकार से ही विनती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने मेरी सहायता करें। बर्बादी का मंजर बोकारो में भी दिखा, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बारिश के बीच बोकारो स्टील प्लांट के जर्जर क्वार्टर की बालकनी का छज्जा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय घटना घटी उस समय रूम के अंदर कोई नहीं था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी बिहार झारखंड।